মা কামাখ্যা ধামত এইবাৰ অনুষ্ঠিত নহয় অম্বুবাচী মেলা। 30 জুনলৈ বন্ধ থাকিব শক্তিপীত কামাখ্যা। লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থীৰে উখল মাখল হৈ থকা পৰিৱেশো এইবাৰ নাথাকিব। বিশ্বৰ লগতে ভাৰততো কৰোণাৰ সংহাৰ অব্যাহত আছে। তাৰ মাজতে আনলক ওৱানত চৰ্ত সাপেক্ষে 8 জুনৰ পৰা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে। কিন্তু আগন্তুক 30 জুনলৈ নীলাচল পাহাৰস্থিত মা কামাখ্যা দেৱালয় বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই। অহা 20 জুনত অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি, 26 তাৰিখে হ'ব নিবৃত্তি। এনে সময়ত মন্দিৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰিলে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ আশংকা কৰিছে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে, যাৰ বাবে বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে। ইছবাৰ जो हम लोग का प्रति हर साल में जो मेला होते हैं, सबसे बड़ा मेला कामाख्या देवालय में अम्बुबासी मेला, अम्बुबासी मेला इस बार बंद करने के लिए हम लोग अभी सिद्धांत किया है। लेकिन भारत सरकार ने जो 8 जून से मंदिर खोलने के लिए जो व्यवस्था किया है, उसी व्यवस्था के लिए हम लोग, इसलिए हम लोग का अम्बुबासी मेला आगंतुक आ रहा है। इसमें बहुत सारा लोग यहाँ पे भर जाते हैं, उसको ध्यान रख कर सबके वायरस नहीं फैलने के लिए, कुछ किसी को वायरस नहीं होने से, संक्रमण नहीं होने के कारण हम लोग 8 जून से अम्बुबासी मेला का बाद 30 जून तक मंदिर बंद रहेंगे। सिर्फ हम लोग का जो रीति नियम है उसमें से हम लोग रीति नियम से हम लोग का जो पालन है उसको पालन करेंगे। लेकिन जो मेला है, जो लाखों लाख भक्त यहाँ पर भर जाते हैं, इस बार हम लोग इसको कोरोना वायरस के लिए बंद करके रखा था। फिर 8 तारीख से मंदिर 30 तारीख तक बंद रहेंगे। अवश्य जुलाई माह देशर परिस्थिति सुस्थिर हले है मंदिर खोलार सिद्धांत लब परिचालना समितिये। ब्यूरो रिपोर्ट, TNL News।